लो मैडम जी, ले पकड़ के रामी को। क्यों बे, ज्यादा चर्बी चढ़ गई है तुझे? अपने घर को आग क्यों लगा रहा था? मैडम, मजबूरी में आग लगा रहा था, वरना कौन मूर्ख है जो अपने ही घर को आग लगाएगा? ऐसे भी क्या मजबूरी जो तू अपने ही घर को आग लगा रहा है? मैडम जी, यू नो, मेरे जो पड़ोसी है ना गांव वाले, वो बहुत रामी लोग हैं। जब मैं थोड़ी सी पी के कहीं गिर जाता हूँ ना, तो साले बोलते हैं, देखो बेवड़ा गिरा पड़ा है, और हंसते हैं मैडम जी। और जब कभी मैडम जी, आपको पता है, मैं मेरी धर्म पत्नी जी को पीटता हूँ ना, मेरी फूलवती को, तो साले घर पे आ जाते हैं, बोलते हैं ये बेवड़ा अपनी बीवी को पीट रहा है। बहुत रामी लोग हैं मेरे पड़ोसी। ये जो तू शराब पीता है ना, ये सब इसी का नतीजा है, और इसी की वजह से सब कुछ हो रहा है, समझा? और इसमें पड़ोसियों की क्या गलती? तू मुझे ये बता, तू आखिर अपना घर क्यों फूकना चाहता है बेवकूफ? मैडम जी, आप मानो या ना मानो, गलती तो गांव वालों की है। और रही बात मेरे घर फूकने की, तो वो मैं आपको बताता हूँ। दिल पे पत्थर रख के सुनिएगा आप। मैं पिछले 4 दिन से ये सोने की अंगूठी पहन के गांव में 100 चक्कर लगा चुका हूँ, पर साले हरामी गांव वाले कोई देख ही नहीं रहे। आपको पता है, मैं ऐसे ही घूमे जा रहा हूँ, पर उनका ध्यान ही नहीं इस अंगूठी की ओर। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है जो इतनी टेंशन ले रहा है? अगर वो तेरी अंगूठी नहीं देख रहे तो ना देखे, पर तू अपना घर क्यों फूंक रहा है? मैडम जी, चाहे कुछ भी हो जाए, अंगूठी तो मैं उनको दिखा के रहूंगा, इसीलिए तो मैं अपना घर फूंक रहा था। तेरे घर जलाने से गांव वालों को तेरी अंगूठी कैसे दिखेगी बेवकूफ? देखो मैडम जी, जब मेरा घर जलेगा तो लोग तो इकट्ठे होंगे ही ना, और जब लोग इकट्ठा होंगे तब मैं इसी सोने की अंगूठी वाली उंगली से लोगों को कहूंगा, देखो मेरा घर जल रहा है, देखो मेरा घर जल रहा है, कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ। तो साले मेरी इस अंगूठी को जरूर देखेंगे ना।